दोस्तों एक गाना है कैसे क्या हो गया देखते देखते, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। जी हाँ, अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तमाम सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हो रही है। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विनोद कांबली अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो उन्हें सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर क्रिकेटर माना जाता था, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि सब कुछ बदल गया। सचिन को क्रिकेट में भगवान का दर्जा मिला तो उनके दोस्त विनोद कांबली की आज ऐसी हालत हो गई है कि वह दूसरे के सहारे चलने को मजबूर है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांबली इतने असहाय नजर आ रहे हैं कि उन्हें कुछ लोग मदद करके सड़क से पार कराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स ने अनुमान लगाया कि विनोद कांबली नशे में थे, जबकि कई अन्य लोगों ने कहा कि कुछ समय से वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और उनकी बिगड़ती सेहत के कारण वह ठीक से नहीं चल पा रहे थे। एक चैंपियन क्रिकेटर की ऐसी हालत देखना काफी दुखदायी है। माना जा रहा है कि विनोद कांबली लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा वह पारिवारिक कारणों से भी काफी परेशान चल रहे हैं। वही कुछ साल पहले उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। गनीमत ये थी कि मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच पाई। अगर वो समय से अस्पताल नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विनोद कांबली ने 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच खेले हैं। वनडे क्रिकेट में विनोद कांबली ने 2477 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल है। वही टेस्ट में उनके नाम 1084 रन है। टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली 4 शतक ठोके हैं। कांबली ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी खूब रन बरसाए हैं। उन्होंने 9665 रन अपने नाम किए हैं। इसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 262 रनों का है। आपको बता दें कि विनोद कांबली अपने कुछ बुरी आदतों के कारण अपनी प्रतिभा को खो दिए। उन्हें भारतीय क्रिकेट में भविष्य का सितारा माना जा रहा था। जिस तरह से उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के प्रति अनुशासन को बरकरार रखा, विनोद कांबली ऐसा नहीं कर पाए। यही कारण है कि उनका कैरियर परवान चढ़ने से पहले खत्म हो गया। सचिन और विनोद की जोड़ी तब खूब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने साल 1988 में इंटर स्कूल हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 164 रनों के पार्टनरशिप की थी। वहीं से दोनों की दोस्ती गहरी हुई थी। उसके बाद दोनों की गहरी दोस्ती बन गई और सचिन अपना क्रिकेट में अनुशासन दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए और क्रिकेट का भगवान बन गए, और विनोद कांबली अपने बुरी आदतों की वजह से वह क्रिकेट में बुरी तरीके से फेल हो गए। एक समय कहा जाता था जो विनोद कांबली सचिन से भी अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और समय का पहिया ऐसा घुमा कि सब कुछ बदल गया। बाकी दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।